शुक्रानी कर शर योर क्यों बुलवाया कै मजोरिए मेरे सर क्यों बुलवाया कै मुझे योर ये मेरे सरकार योर खुब बजाने योर के योर अजय सिंह तही अचानक बुलाने का कारण इंस्पेक्टर अजय सिंह मैंने तुम्हें जिस काम के लिए है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा तरंगा तुम पर अजय सिंह सुनो लल्लू चाचा से बता दो कि जो सामान भेजें तेल पानी जो मंगा रहे दे जाए तुरंत और 25 चाय दे जाओ छोटू 25 चाय सर मैं आपसे वादा करता हूं अरे इसे क्या हुआ सर ये यहां का हवलदार है अभी तक ये ड्यूटी पर खड़े खड़े सो रहा था अब जमीन पर लेट करके सो गया है अरे 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 हट 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 कितना बेशरम बदतमीज अजय सिंह अरे 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 लगता है दांत था खुजली से परेशानी सर बात तो यही है अजय सिंह एक काम करो तुम इसे होश में ला करके इससे बात करो उसके बाद मैं तुम्हें यहां का चार्ज देता हूं हवलदार 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 इसका काम कम यार कम यार कम यार अखुल बदतमीज में कहता अखुल अखुल वरना तेरी आंख में मिर्ची का पाउडर छकवा दूंगा और देख सामने में कौन खड़ा हूं लड़ाओ आओ साले डंडा खोज तो का बदतमीज जगह नहीं है एक मिनट में फौरन जगह बन जाएगी मशीन लायो
क्या नाम है तेरा? आई एम जुग्गीलाल हडेला। बचपन में खाया खूब केला, अच्छे अच्छे को मैंने पेला। आ गया जुग्गीलाल फिर सो गया, फिर सो गया बदतमीज। हवलदार हवलदार चल फिजा फिजा हट बदतमीज। इंस्पेक्टर राजा सिंह कहिए सर, मंत्री जी ने 70 करोड़ रुपए गरीब जनता के लिए भेजा है, उन रुपयों को तुम बाहिफाजत इलाहाबाद बैंक तक पहुंचाओगे। सर ये 70 करोड़ रुपया हमारा नहीं बल्कि हमारी समाज हमारी जनता का ही, जान की बाजी लगा दूंगा, हर हाल में 70 करोड़ रुपए इलाहाबाद बैंक तक पहुंचा के रहूंगा सर। मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ इंस्पेक्टर अजय सिंह, क्योंकि जनता की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य बनता है। आज गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों ने ये कसम खाया है कि जब तक हम लोग रहेंगे समाज की रक्षा करेंगे और इस समाज में फैली बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। सर चिंता मत करो, जीते जी अपने प्राण का बलिदान कर दूंगा, लेकिन फर्जीवान के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, ना तो मैं अपना कदम पीछे हटाऊंगा सर। इस काम में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा सर। दिस इज माय ऑर्डर एंड लास्ट वार्निंग। अबलदार इधर आ, इधर आ बात करिए। ये राणा जी जी साहब भाई, और तमर के सामने बदतमीज से बात नहीं आती हो? दिल्ली तक पहुंच है, दिल्ली तक मिलाई होगी नाना फोन का भी। जो योगी जी तुम्हारे नाना है, हाँ। तमर के नाती हो? तुरंत अब एक मिनट में आइयो कौन यू डिसमिस, तो यानी सस्पेंड करवा देगा। ये 70 करोड़ रुपया ही हर हाल इसे इलाहाबाद बैंक तक पहुंचाना होगा। एक जुगाड़ बताइएगा। कौन सा जुगाड़ है? बहुत बढ़िया चांस है, ऐसा चांस दोबारा मिली ना। बता। 70 करोड़ रुपया है। हाँ। इका लेके चलो स्टेशन पहुंची, स्टेशन मास्टर का दिखा दे, कोनो मौका मामला पर जवाब दे हाँ कि हाँ रुपया लेके आए रहा हैं। हाँ। उसके बाद में रुपया लौटा के लो जीप में सीट के अंदर खोज के दे दियो। फिर क्या होगा? कोई का डाकू वही है, गोली चली, पुलिस मरी, कुछ पब्लिक मरी, कुछ डाकू मरी है, बाद में हम तुम बचा दे 70-35 करोड़ तुम रखो, 35 करोड़ हम रखी, यानी 1/2। और का जब ये रुपए इलाहाबाद बैंक तक नहीं पहुंचेगा, मीडिया जनता हमारी पीछे पड़ जाएगी, जनता भी हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार हुई जनता में तुरंत डबल फायदा। वो कैसे? लाठी उठाओ, पब्लिक में पहुंचो, 10-10 लट करो, 1000-2000 लेके छोड़ दियो, पहुंचो स्टेशन मास्टर लेके छसा दिला ठुनके करो, उसके बाद में 10-15 लाख लेके उनका छोड़ दियो, डबल फायदा। तू हवलदार है? अरे देश के रक्षक या देश का भक्षक है बदतमीज? देश के बारे में हम बहुत सोचे हैं। क्या सोचा देश के बारे में? हम पर है जिम्मेदारियां भारत महान की, हम पर है जिम्मेदारियां भारत महान की, हमने खटिया खड़ी कर दी है संविधान की, हम चाहते कि वर्दी बची रहे, चाहे आवरू लूट जाए हिंदुस्तान की। और तो कैसे हवलदार रहेंगे, अवश्य हमारे देश के आवरू खतरे में पड़ सकती है, उठा अपने राइफल आ मेरे साथ आओ। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, फिल्म के अगली सीन और अगला आइटम देखिए, चंबल ही चंबल के खोखा डाकू 16 एंड जागीरा। हेलो, अपनी गाड़ी भाड़ी पर होते हैं जो यहाँ पर अगर दारूबाजी करे तो एक सेकंड मुतरा दे, कांस्टेबल ये है दरोगा साहब, नशा हुआ दिखाओ जहाँ पर, फिर पीछे सबके वह चले जी, सब कोई बार बार समझान कि अगर यहाँ पर कोई बात ना कोई चीज, अगर कुर्सी डाल बैठना तो पहले सुनो होगा ना, उनकी कहानी सुनो, एक सेकंड पीछे सब कोई चले जी हो, दूसरा सेकंड नहीं लगी बाद सुबह राम का चाह करिया चाहे मारे। देखे 16 और जागीरा अपनी काली पहाड़ी पर होते हैं, फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। 16 जागीरा आतरवान को हमें आतरवान को हमें कह रहे तो किसना को जाए जिस तो करने जो टेढ़ रखा ठोकर मारो तो पानी उछाल दो, ठोकर
जे हो चैर की आंखें कतब जी करा कहते हैं तेरे को कतब जी करा कहते हैं मेरी बंदूक की निकली गोली से खाक शाबाश मेरे चंबल के सरो शाबाश जग रो आज मैं तुम तक कुछ कहना चाहता हूँ तो ध्यान तो बात जग रो तुम हमारे इतना ध्यान इलाहाबाद बैंक पहुंचता है सबसे पहले ट्रेन के ड्राइवर गोली मार देना है उसके बाद सारा का सारा रुपया लूट लेना लेडीज कांस्टेबल धक्का मारता है धक्का मारने की बेचारा रोड पर खड़ी कहां हम रेन तो धक्का लाग बज गए कहां ट्रक वाला पेल दिया चली जाए दिखाऊं जवाब दे तू इनके घर में एक तो लदा देवता नहीं वजन बेग इसमें 70 करोड़ रुपया है ये रुपया हर हाल में इलाहाबाद बैंक तक बचाना होगा रास्ते में काल का मेल ट्रेन गुजरेगी सुना की रात में डाकू 16 डाकू कालिया डाकू भैरव सिंह ये हराबजादे कोई ना कोई ट्रेन लूटते रहते हैं हर हाल में रुपया पहुंचाना होगा अपने अपने रेफर रोल लोड कर लो क्योंकि 75 किलोमीटर पर चंबल पड़ने वाला है आप मेरे साथ आओ वास्तव में ट्रेन आ रही है सबसे पहले ड्राइवर गोली मार दो उसके बाद रुपया लूटा खबरदार सोलह यार कदम चारों तरफ से घिर चुके हो हमारी बात पर अपने आप का कारण के हवाले कर दो
मैंने कोई भी डाकू जिंदा नहीं बचेगा। ये दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे, ये 70 करोड़ मेरे हवाले कर दे, वरना इतने गोलियां बरसा दूंगा कि तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। तो रुपये लूटने की रात में आए हो? हाँ। अगर तेरी माँ ने तुझे दो चलाया है तो रुपये में हाला करके देख, बहुत ही मौत नाचेगी। कसम है चंबल की, अगर ये रुपया लूट के चंबल नहीं लगा तो आज तो मेरा नाम सोना नहीं होगा। साथियों हराम साथियों, हरामजादे बिहार से निकल गई है, लेकिन सारा का सारा ये 70 रुपया बच गया। हवलदार चल इलाहाबाद बैंक में जमा करना होगा। आप मेरे साथ आओ। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देखिए चीफ मिनिस्टर के भाई, चीफ मिनिस्टर के भाई नागेश्वर, देखिए अपनी हमेली को आते हैं, फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। चीफ मिनिस्टर के भाई नागेश, जय हो भोले शंकर, मैं हूं नागेश्वर प्रेम करता मार के। हरे कृष्णा हरे रामा, मेरा हिंदुस्तान है महान, ओ मेरी भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता। कहे शंकर बा, अरे परमुआ कहां मर गया साला। अरे बाबू की जय हो जय हो जय हो। ये बता कौन सा दिन है छोटे बाबू? आज तो मंडे है, यानी कि कॉलेज खुला होगा। हाँ बाबू जी, देख सामने जो बाल का इंटर कॉलेज बना, ये हमारे भैया का बनवाया हुआ है। ये बात तो है ही बाबू जी, हमारा भैया तो मैं प्रदेश का मालिक है। कौन है बाबू जी? आज हमारा दिल चाहता है कि हम कॉलेज की तरफ चले। ये रही दिमाग की बात। कितना समय हुआ? 3 उतर का ऊपर। इसका मतलब 12 बज गया, एकदम करंट। करंट की करेक्ट 12। हाँ बाबूजी। ए चलने के पहले मेरी बात सुन ले, जो ना काम कर सका परमेश्वर वो काम करता है नागेश्वर। क्या बताऊं, कॉलेज जाने का समय हो गया है और मेरी सारी सहेलियां यहाँ से बहुत आगे जा चुकी हैं। अब मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ेगा। क्या बताऊं, मेरी सहेलियां तो बहुत आगे जा चुकी हैं। ओ साथी चल चल कहीं जा रही रे। हाँ छोटे बाबू, ये तो जन्नत की हूर है। कॉलेज के पहले हम इसे पकड़ेंगे। क्यों नहीं बाबूजी? ये बहुत तेजी से जा रही ना। हाँ बाबूजी। तो उधर से निकल, मैं इधर से, शत्रु को बीच में कैद करेंगे। हम लोग तुम्हारी नजर में क्या लग रहे हैं? मेरी नजर में तो तुम
तुम दोनों चिड़ीमान लग रहे हो। ना बाबा ना, हम लोग चिड़ीमान नहीं है। का गाना? हम लोग है असली गुंडे। क्या असली गुंडे? और क्या, ए वो भी किसके? हम लोग है छोटे बाबू के गुंडे। ओ छोटे बाबू के गुंडे। और क्या? ए तुम्हारे छोटे बाबू इस वक्त है कहाँ पर? हमारे छोटे बाबू को जिस समय देखोगी तुम्हारे दिल में प्यार और मोहब्बत की धड़कन पैदा हो जाएगी। क्या तुम्हारे छोटे बाबू इतने अच्छे हैं? और क्या, तो इस वक्त है कहाँ पर? चलो पीछे घूम जाओ। नहीं है तुम्हारे छोटे बाबू? और क्या, छोटे बाबू आपने मेरा रास्ता किसने रोका है? ज्यादा ऊंची आवाज में बातें करना नाग्य स्वर से मत सीखिएगा। जिस कॉलेज में पढ़ती हो ना उस कॉलेज के हम सबसे बड़े दादा है। ए छोटे बाबू, आप अपने घर के दादा हो सकते हो, किसी कॉलेज के दादा नहीं। घबराओ नहीं, ये हमारे दोनों चमचे हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। डाने हैं डाने। ये पाड़े साइड में लगो। सुमन, क्या बात है? एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ऐसे क्या बात कहना चाहते हैं? सोचता हूँ कि ऐसा ना हो कि आप नाराज हो जाएं। ऐसी क्या बात आप कहना चाहते हैं जो मैं आपकी बातें सुनके नाराज हो जाऊंगी? वाकई भगवान ने तुम्हें बहुत देर तक चुन चुन के फुर्सत से बनाया होगा, क्योंकि वो पत्नी लेकिन गजब की बनी हो। ए छोटे बाबू, आपका कहने का मतलब क्या है? आधा देख कल क्या हुआ खुद I'm
थाज मुख से निकालेगा तू पाप पैरों की मेरी। मजा आ जाएगा। नहीं।